होली मनाने के विषय में बहुत सारी कथाएं हमें पुराणों से मिलती हैं, तो उनमें से एक कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने दरबार के राजकवि चंद से कहा कि हम लोगों में जो होली के त्योहार का प्रचार है वह क्या है, हम सभ्य आर्या लोगों में ऐसे अनार्य महोत्सव का प्रचार क्यों हुआ कि आबाल वृद्ध सभी उस दिन पागल से होकर विभत्स रूप धारण करते तथा अनर्गल और कुत्सित वचनों को निर्लज्जता पूर्वक उच्चारण करते हैं। यह सुनकर कवि बोला, राजन इस महोत्सव की उत्पत्ति का विधान होली की पूजा विधि में पाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा में होली का पूजन कहा गया है। उसमें लकड़ी और घास फूस का बड़ा भारी ढेर लगाकर वेद मंत्रों से विस्तार के साथ होली का दहन किया जाता है। इस दिन हर महीने की पूर्णिमा के हिसाब से इष्टी यानी छोटा सा यज्ञ भी होता है। इस कारण भद्रा रहित समय में होलिका दहन होकर इष्टी यज्ञ भी हो जाता है। पूजन के बाद होली की भस्म शरीर पर लगाई जाती है। होली के लिए प्रदोष अर्थात सायंकाल व्यापनी पूर्णिमा लेनी चाहिए और उसी रात्रि में भद्रा रहित समय में होली प्रज्वलित करनी चाहिए। फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन जो मनुष्य चित्त को एकाग्र करके हिंडोले में झूलते हुए श्री गोविंद पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह निश्चय ही वैकुंठ में जाता है। यह दोलोत्सव होली होने के दूसरे दिन होता है। यदि पूर्णिमा की पिछली रात्रि में होली जलाई जाए तो यह उत्सव प्रतिपदा को होता है और इसी दिन अबीर गुलाल की फाग होती है। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त इस फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन चतुर्दश मनुओं में से एक मनु का भी जन्म है। इस कारण यह मनवादी तिथि भी है, अतः उसके उपलक्ष में भी ये उत्सव मनाया जाता है। कितने ही शस्त्रकारों ने तो संवत के आरंभ एवं बसंतागमन के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है और जिसके द्वारा अग्नि के अधिदेव स्वरूप का पूजन होता है वही पूजन इस होलिका का माना है। इसी कारण कोई कोई होलिका दहन को संवत के आरंभ में अग्नि स्वरूप परमात्मा का पूजन मानते हैं। भविष्य पुराण में नारद जी ने राजा युधिष्ठिर से होली के संबंध में जो कथा कही है वह उक्त ग्रंथ कथा के अनुसार इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे नराधिप, फाल्गुन की पूर्णिमा को सब मनुष्यों के लिए अभय दान देना चाहिए जिससे प्रजा के लोग निशंक होकर हंसें और क्रीड़ा करें। डंडे और लाठी को लेकर बाल शूरवीरों की तरह गांव से बाहर जाकर होली के लिए लकड़ियों और कंडों का संचय करें। उसमें विधिवत हवन किया जाए। वह पापात्मा राक्षसी अट्टहास किलकिलाहट और मंत्रोच्चारण से नष्ट हो जाती है। इस व्रत की व्याख्या से हिरण्यकश्यप की भगनी और प्रहलाद की फुआ जो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी थी प्रतिवर्ष होलिका नाम से आज तक जलाई जाती है। हे राजन, पुराणांतर में ऐसी भी व्याख्या है कि ढूंढला नामक राक्षसी ने शिव पार्वती का तप करके यह वरदान पाया था कि जिस किसी बालक को वह पाए खाती जाए, परंतु वरदान देते समय शिव जी ने यह युक्ति रख दी थी कि जो बालक विभत्स आचरण और राक्षसी वृत्ति में निर्लज्जता पूर्वक फिरते हुए पाए जाएंगे उनको तू न खा सकेगी। अतः उस राक्षसी से बचने के लिए बालक नाना प्रकार के विभत्स और निर्लज स्वांग बनाते और अंट संट बकते हैं। हे राजन, इस हवन से संपूर्ण अनिष्टों का नाश होता है और यही होली का उत्सव है। होली को ज्वाला की तीन परिक्रमा करके फिर हास परिहास करना चाहिए। कवि चंद की कही हुई इस कथा को सुनकर राजा पृथ्वीराज बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन से वहाँ होली मनाई जाने लगी। तो ये थी होली की एक पौराणिक कथा जो हमें पुराणों से मिलती है। इस तरह की अनेक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल प्रियंका सिंह ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।